एवरीवन hey यह है वॉइस विद मेरे यानी अंकुर वारिकू के साथ इस हिंग्लिश पॉडकास्ट सीरीज में मैं बहुत सारी चीजें कवर करता हूँ करियर रिलेशनशिप्स पर्सनल फाइनेंस सक्सेस फेलियर और फ्रैंकली कुछ भी और जो समय जहन में आता है हर हफ्ते थर्सडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड वॉइस विद वारिकू तो हाल ही में मैं एक टेकटॉक सुन रहा था बहुत खूबसूरत टेकटॉक थी दो लोग थे जो बात कर रहे थे कि 2001 11 सितंबर को जो टेरिस अटैक्स हुए थे यूएस में जिसको हम या नाइन इलेवन के नाम से जानते हैं उसके बाद एक म्यूजियम uh, खुला था टू सेलिब्रेट एंड एफर्ट ऑफ एवरी वनप्डो शेयर द ग्रीफ ऑफ एवरी वन पास्ट अवे इन एंड अटैक, एंड एक सेक्शन के बारे में वो बात कर रहे थे जहां फोन्स दिखाए गए थे उन लोगों के जिनके क्रैश के डेबरी में फोन्स पाए गए और कुछ कुछ जगह पे रिकॉर्डिंग्स थी उन फोन कॉल्स की जो उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को लास्ट वक्त में करी होगी एंड आई एम एजूमन कि वो रिकॉर्डिंग्स उनकी फैमिली मेंबर्स से आए होंगे so एक बहुत ही कॉमन पैटर्न था उन सारे रिकॉर्डिंग्स में जिसको एक्सप्रेस करने के लिए काल्पनिक सिचुएशन आपके साथ शेयर करूंगा तो फर्ज करिए कि कि आज यमदूत आपके पास आते हैं जो इंडियन कल्चर में गॉड ऑफ डेथ माने जाते हैं वो बोलते हैं कि मेरे पास गुड न्यूज है और बैड न्यूज है गुड न्यूज ये है कि आप आज नहीं मरेंगे ये बैड न्यूज है कि आप कल मरेंगे अरे ये क्या बात हुई तो यमदूत बोलते देखो मैं ना वैसे आने से पहले बोलता नहीं हूं बोल रहा हूं क्योंकि आप भले इंसान हो तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप आज नहीं कल मरोगे और कल तो पक्का ही मरोगे ये मेरा दावा है लेकिन आज आपके पास है ये आपको मैंने प्री वार्निंग दे दी है अब आप जाइए और आज का दिन बिताइए और मेरा सवाल आपसे यह है कि आप आज का दिन कैसे बिताएंगे और मैं आप में से किसी को भी पर्सनली नहीं जानता हूं तब भी मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूं कि आप लोग ऑफिस तो नहीं जाएंगे आप ये तो नहीं करेंगे अरे बॉस को बता देते हैं कि हम छुट्टी पे जाने वाले हैं पॉमनेंट छुट्टी पे आप कोई महंगी गाड़ी भी नहीं खरीदेंगे घर भी नहीं खरीदेंगे कोई फैंसी फोन भी नहीं खरीदेंगे कपड़े वपड़े भी नहीं खरीदेंगे आप मोस्ट लाइकली नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट अपने लव्ड वंस के साथ वक्त बिताएंगे आप उनको बोलेंगे कि आप उनसे प्यार करते हैं आप उनके शुक्रगुजार होंगे कि उन्होंने आपको प्यार किया आप बहुत ग्रेटफुल होंगे कि आपको उनके साथ जिंदगी जीने का मौका मिला आप उनके साथ वो सारे पुराने पल याद करेंगे एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दी टू फोक्स ऑन द TED टॉक आल्सो फाउंड कि हर एक कॉल चाहे वो जितनी भी डिस्टर्ब इमोशन से दी गई हो या जितने भी रिलैक्स इमोशन से दी गई हो उनका कॉमन थ्रेड था इट वॉज ओनली एंड ओनली अबाउट लव सिर्फ और सिर्फ प्यार जताने की एक कोशिश दिखाने की कोशिश एक्सप्रेस करने की कोशिश हर एक कॉल सिर्फ यही बोल रही थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी अच्छी जियो मैं जानता हूं कि शायद मैं वापस नहीं आ पाऊंगा लेकिन मैं शुक्रगुजार गुजार हूं कि मुझे आज तक तुम्हारे साथ जिंदगी जीने का मौका मिला आई लव यू आई लव यू सो सो मच एंड वो दो शख्स ये बोलने की कोशिश कर रहे थे कि अगर अंत में सिर्फ प्यार ही है डिस्पाइड एवरीथिंग दैट वी गो थ्रू वो जॉब को लेके स्ट्रेस वो फ्यूचर को लेके एंगजाइटी वो सारे अप्स एंड डाउन जो हर रोज हर रोज हम एक्सपीरियंस करते हैं उन सब के बावजूद आखिरकार सिर्फ और सिर्फ प्यार ही है आपके रिश्ते ही हैं तो हम हर रोज उस प्यार को क्यों नहीं दिखाते हैं हम आखिरी वक्त तक वेट क्यों करते हैं क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आपको वो प्यार दिखाने का मौका नहीं मिलेगा और उस दिन के बाद आपका हर एक दिन पछतावे में ही गुजरेगा आपके पास आज वक्त है वो आपके सामने है आपकी खुद की जिंदगी है उनको बताइए कि आप उनसे प्यार करते हैं उनको दिखाइए कि आप उनको कितना प्यार करते हैं क्योंकि वही जिंदगी है इन दिस ओनली लव प्यार ही सब कुछ है भूलिएगा मत ऑल द बेस्ट अगर आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने प्लेटफॉर्म पे इसको रिव्यू करना मत भूलिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू वॉइस विद वारिकू हर थर्सडे एक नया एपिसोड आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर